गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ओपन योर क्लास 5 हिंदी बुक, देन कम टू द पेज नंबर 9। ओके, तो ये आपकी पहली चैप्टर है, वो शक्ति हमें दो, मतलब ये भगवान को क्या प्रार्थना करेगी शक्ति देने के लिए। तो यहाँ पे बातों बातों में क्या है ना, हम धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं आप बताओगे सोच के, कि धार्मिक स्थल मतलब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर गिरजाघर हो, आप क्यों जाते हैं, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, और अपनी किन्हीं दो अच्छी बातों के बारे में बताओ। ओके, देन उसके बाद क्या है ना, प्रार्थना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, ये मनुष्य में दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहयोग जैसे गुणों का निर्माण तथा विकास करती है। प्रस्तुत प्रार्थना में कवि ने सभी का मंगल करने की कामना व्यक्त की है। इस प्रार्थना में यहाँ पे जो कवि है मुरारीलाल शर्मा, इन्होंने सबके लिए अच्छा भगवान से मांगा है और सबकी अच्छाई के लिए कामना की है। ओके, तो ये कविता क्या है ना, वो शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। तो इसका अर्थ क्या है, ओ भगवान दयानिधि मतलब भगवान गॉड। ओके, तो उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है, पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा करना, दूसरों के उपकार करने में अपना जीवन सफल बना जाए। ओके, तो दूसरा पद क्या है ना, हम दिन ही निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। दीनहीन मतलब जो दरिद्री लोग हैं, और निबलो मतलब कमज़ोर, और विकलो मतलब जो अंग से कमज़ोर हैं, जिनका वो विकलांग है उनको विकलो कहते हैं। तो उनकी सेवा में संताप मीन्स कष्ट, उनके कष्ट हरे, और जो अटके भूले भटके और जो मतलब मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं उनको मदद करने के लिए यहाँ पे प्रार्थना की है। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सूची प्रेम सुधा रस बरसाए। तो वो क्या बोल रहे हैं ना, छल हो कपट करना, द्वेष करना, पाखंड झूठ मतलब झूठ बोलना और अन्याय करना, इन सब से निस्दिन मतलब दिन रात दूर रहने को प्रार्थना कर रहे हैं, और अपना जीवन शुद्ध सरल बना के दूसरों की मदद करने में बिताएंगे। नीज आन वान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस तेज जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं, फिर क्या प्रार्थना करें कि हम जिस तेज में, जिस जाति में जन्म लिए हैं, उसके आन मान सम्मान के लिए खुद की बलिदान देने की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मौखिक है मतलब क्वेश्चन है, आज हम मौखिक करेंगे। ओके, मौखिक का कौ में क्वेश्चन क्या है, कवि शक्ति क्यों मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर है, कवि दूसरों की सेवा और उपकार करने के लिए शक्ति मांग रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कवि किनके संताप हरने की बात कर रहे हैं, संताप मीन्स कष्ट, कवि दरिद्रों और कमजोर लोगों के संताप हरने की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ग में हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए सम्मान के लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो घ में क्वेश्चन क्या है, ये प्रार्थना किसके लिए, किसने लिखी है ना, ये प्रार्थना देश बंधु मुरारीलाल शर्मा ने लिखी है। ओके, तो आज आपका मौखिक कंप्लीट हुआ, आप इसको घर में प्रैक्टिस करोगे और अपने स्कूल आप में सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।